और महाराजगंज जिले के भारत के सुनौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने गश्त के दौरान एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्त में आया विदेशी नागरिक नीदरलैंड का निवासी जो कि अवैध तरीके से भारत से नेपाल जाने की फिराक में था। वह गिरफ्त में विदेशी नागरिक से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही, साथ ही पुलिस ने विदेशी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिनांक 23 मार्च को भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में भारत सीमा से नेपाल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रोए ब्रूट डेविएट बताया, नीदरलैंड का निवासी होना बताया। इस संबंध में अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों को भी जानकारी दी गई। पूछताछ के क्रम में जब उससे लीगल डॉक्यूमेंट्स वीजा पासपोर्ट की मांग की गई तो वो उपलब्ध कराने में उसने असमर्थता व्यक्त की। इस पूरे प्रकरण के तहत 14 विदेशी अधिनियम के तहत संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।